असलम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं सिक्स जीरो एट के एक पास्ट पेपर को सॉल्व और स्टूडेंट्स इससे पहले भी मैंने आप लोगों का एक पास्ट पेपर सॉल्व करवाया है उसकी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग इस पास पेपर्स को रीड आउट कर लेते हैं ये हमारे पास सेमेस्टर स्प्रिंग है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पास्ट पेपर है जिसमें फोर लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो ट्वेंटी मार्क्स का है और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर वन जो है वो एम पार्ट होता है और ये क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इन सबको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ऑनलाइन के देखा करें और इसको अपने क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने हमसे पूछा है इंटरनल मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट और एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स क्वालिटी असेसमेंट के ऊपर मैं दो टॉपिक्स बना चुकी हूँ पहले एक इंटरनल मैथड्स के ऊपर और दूसरा एक्सटर्नल मैथड्स के ऊपर इंटरनल मैथड्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस और एक्सटर्नल मैथड्स ऑफ क्वालिटी इश्योरेंस अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके लास्ट में देखिएगा क्योंकि वो वाले टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको जनरल बता दूं कि इंटरनल मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट क्या होते हैं और एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल वर्ड इंटरनल से निकला है मतलब अंदरूनी वो वाले मेथड्स जो किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर रह के किया जाता है परफॉर्म उसको हम लोग इंटरनल मैथड कहेंगे जबकि वो मेथड जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ आके हमारी इंडस्ट्री की क्वालिटी को चेक करेंगे एक्सटर्नल प्रोसीजर्स के जरिए से वो एक्सटर्नल मेथड होगा तो स्टूडेंट्स अब इनका डिफरेंस हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये वाली वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में बनाई है इसलिए मैंने बहुत नीट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए मैंने जो रफ़ प्रिपेयर किए थे वही मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है लेकिन मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ ताकि अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है पढ़ने में तो वो एक्सप्लेन हो जाए बोलने से एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है या क्वालिटी असेसमेंट असेसमेंट और इश्योरेंस एक ही चीज़ होती है दोनों का एक ही मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस मीट रिक्वायर्ड ऑफ एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि इस चीज़ की देना कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को पूरा उतर रहा है लेकिन ये वाली जो इश्योरेंस होती है ये एक्सटर्नली परफॉर्म की जाती है और जो और जो आई क्यू है, है मतलब कि इंटरनल क्वालिटी इश्योरेंस या फिर इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट इसमें क्या होता है इसमें हम लोग किसी भी इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोश्योर करती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टैंडर्ड्स और ऑन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इंटरनली ही वो काम परफॉर्म करती है तो स्टूडेंट्स आई होप सो इनका जो डिफाइन है वो आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हम लोग इसी वीडियो के अंदर इसके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं वही पढ़ते हैं अब ये जो ई क्यू ए होता है ये कंडक्ट किया जाता है किसी थर्ड पार्टी से इंडिपेंडेंट एजेंसी से एक रिडिटेशन एजेंसी से या सर्टिफाइड बॉडी से तो जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है ये एक्सटर्नल एजेंसीज़ आती हैं हमारी इंडस्ट्री में हमारे ऊपर टेस्ट करती हैं हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगी उसके डिफरेंट तरह से ऑडिट्स करेंगी और फिर वो बताएंगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का वो सही है या नहीं है उसकी क्वालिटी को श्योर करेंगी स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ क्या होती हैं मोस्टली जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं एक इडिटेशन एजेंसीज जो कि रजिस्ट्रेशन वाली एजेंसीज़ होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को रजिस्टर करती हैं सर्टिफाइड बॉडीज़ मैं आपको इसकी किसी से एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे कि एफ डी ए है फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ठीक है अब ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ये आती है और हमारा कोई फूड प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करेगी तो उसकी क्वालिटी को इश्योर करेगी तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस अब नेक्स्ट आता है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस इसको ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टाफ मेम्बर्स ही कंडक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर के जो लोग हैं वही इसको कंडक्ट करेंगे वही देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी क्या हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के, के मुताबिक पूरी हो रही है या नहीं हो रही आगे इनके हम लोग डिफ्रेंसेस पढ़ते हैं जो ई क्यू ए है ये यूज़ यूज़ करती है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स को जबकि जो आई क्यू है इट यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टैंडर्ड्स सो स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ हैं ये वो चीज़ें हैं जिनके मुताबिक हम लोग ने अपने प्रोडक्ट को तैयार करना होता है फ़ॉर तो एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री है और वो साबुन हम लोगों ने कौन से स्टैंडर्ड कौन से फार्मूले के मुताबिक बनाना है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ये वाले जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो एक्सटर्नली दिए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे कोई एजेंसी होगी कोई थर्ड पार्टी होगी कोई अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि हर एजेंसी किस तरह का साबन बनाएगी उसकी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे ठीक है लेकिन कोई एक इंडस्ट्री ऐसी है जिनका अपना प्रोडक्ट है उनके अपना साबन है उनकी अपनी कंपनी है तो वो अपने ही प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स का यूज़ होता है इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए नेक्स्ट आता है एकको असेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब एक्सटर्नल क्वालिटी के अंदर ओवरऑल क्वालिटी को असेस किया जाता है एवेलोएट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की सारी की सारी क्वालिटीज़ को चेक करती हैं एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज आके जबकि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है ये असेस करती है सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ क्वालिटी अब इंडस्ट्री सिर्फ वहाँ पे ही फोकस करेगी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है बाकी चीज़ों को असेस नहीं करेगी तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट कुछ और डिफरेंसेस हैं मुझे ज़्यादा तो मिले नहीं हैं लेकिन मुझे जितने मिले हैं वो मैंने बता दिए हैं आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं सबसे पहले इनका डिफरेंस क्या है सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की बेस पर कि जो एक्सटर्नल क्वालिटी इंश्योरेंस होते हैं इनके स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया जो होता है वो जो होता है वो सेट किया गया होता है थर्ड पार्टी ने जबकि जो आई वो होते हैं इनके स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इन्होंने खुद ही सेट किए होते हैं फिर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस आता है ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आके इसको करती है जबकि जो आई क्यू ए है ये खुद इंडिपेंडेंट होती है ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कस्टमर्स हैं जो स्टाफ हैं जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनको यूज़ करते हुए ही अपने प्रोडक्ट को इंश्योर करती है फिर ऑब्जेक्टिविटी इसका मकसद क्या है जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा इम्पारशल मतलब ज़्यादा फेयर ज़्यादा अच्छा होता है जबकि जो इंटरनल होता है वो लेस सब्जेक्टिव होता है लेस इम्पारशल नेक्स्ट आता है डिफरेंस स्कोप का अब जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है इसमें क्या जाता है? किया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को असेस किया जाता है लेकिन इंटरनल के अंदर क्या किया जाता है सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ही ये अप्लाई किए जाते हैं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के मेथड्स बेनिफिट क्या है प्रोवाइड एक टू कस्टमर्स जबकि ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे एक्सटर्नल क्वालिटी इश्योरेंस और इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस के कुछ डिफरेंसेस। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और ये वाली वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी काम आ सके और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम में आता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर टू ऑटोमेशन के बारे में हमने बताना है और उसके बाद हम लोगों ने बताना है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कौन सी टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन यूज़ हुई हैं तो स्टूडेंट्स ऑटोमेशन के टॉपिक के ऊपर मैं तीन वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ उसमें ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी वहाँ उस वीडियो को आप जाके लाजमी देखें उसका लिंक आपको दे instruments, instruments, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसमें मैंने ऑटोमेशन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो वो फर्स्ट वाली वीडियो जाके आप लाजमी देखें और जो सेकंड वाली वीडियो है उसमें ऑटोमेशन की अप्लीकेशन हैं वो आप इनमें ऐड नहीं करेंगे और जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर भी लेकिन टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन और भी हो सकती हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है हम जल्दी से अब उन टाइप्स को पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ ऑटोमेशन है रोबोटिक्स रोबोटिक्स टाइप ऑफ ऑटोमेशन है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं दिज आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क लाइक लोडिंग अनलोडिंग मटेरियल वेल्डिंग पेंटिंग अब इस क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने हमसे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली पूछी हैं सारी तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे जो रोबोट्स वगैरह हैं जो मशीनरी है यूज़ होती है वेल्डिंग के लिए चीज़ों को लोड करने के लिए उनको उठाने के लिए रखने के लिए जो वजनी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं उठा सकते ईजीली तो वहाँ पर रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं इट कैन ऑल्सो भी यूज टू परफॉर्म डेंजरस आर रिपिटेटिव टास्क दैट वुड बी अनसेफ एंड इनसेफिशियन टू ह्यूमन टू डू तो चल जो ख़तरनाक काम होते हैं बहुत हैवी चीज़ें उठाना और भी तरह के काम जिनको ह्यूमंस के लिए जो होते हैं इन एफिशेंट होते हैं नुकसानदेह होते हैं तो उनको भी रोबोट्स परफॉर्म करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम कन्वे का मतलब होता है पहुँचाना अब केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑटोमेशन की एक और टाइप यूज़ होती है वो है ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल एंड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट अ केमिकल प्लांट ये मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को केमिकल प्लांट के जरिए से भी के अंदर से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्लांट क्या चीज़ होती है इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्लांट कोई मशीनरी आप कह दें जो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो केमिकल प्लांट के अंदर जो ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं अपने मेटीरियल और प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट के लिए इनको कन्वे करने के लिए पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव एफिशियंसी एंड रिड्यूज द रिस्क ऑफि एक्सीडेंट्स अब ये क्या करते हैं इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और एक्सीडेंट्स के रिस्क भी कम हो जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोमेशन की वो है ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम अब नेम से शो हो रहा है कि ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद ही हमारे प्रोडक्ट को पैक कर देगा इससे हमारा प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा वो एफिशिएंट रहेगा और ये उसकी पैकिंग भी अच्छी करेगा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है ऑटोमेशन की केमिकल इंडस्ट्रीज में वो है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम अब ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रेबल सिस्टम लिए यूज़ होते हैं आर टू स्टोर एंड एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिट्राइव का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि हमने एक चीज़ एक जगह से उठाई है तो उसको वापस उस जगह पर ले जाके रख दें रिकवर करना भी हम इसको कह सकते हैं या फिर कम बैक करना ठीक है या इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है तो हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए और उनको वापस उनकी जगह पर ला के रखने के लिए हमारे पास यूज़ होता है ऑटोमेशन ये भी इम्प्रूव करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स ये हमारी इंडस्ट्री में तरतीब लगाने के लिए कोई ज़्यादा रश नहीं होगा चीज़ों का उसमें यूज़ होता है स्टूडेंट्स so मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी स्लाइड्स प्रिपेयर करूँ अगर आपको कोई भी स्लाइड मुश्किल लगती है तो आप उसको छोड़ दिया करें या उसकी जगह पे मुझसे कुछ और इजी पूछ लिया करें तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ मजीद पॉइंट्स जो कि आप ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से ऑटोमेशन यूज होती है इनको पढ़ लेते हैं हम लोग इन पेट्रोकेमिकल प्लांट रोबोट्स आर यूज्ड टू लोड एंड अनलोड स्टॉक एंड प्रोडक्ट फ्रॉम शिप एंड रेंस अब पेट्रोकेमिकल प्लांट के अंदर वो वाले प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं जो कि पेट्रोलियम से आते हैं जैसे कि पेट्रोलियम को हम रिफ़ाइन करते हैं तो वो भी हम लोग पेट्रोकेमिकल प्लांट से करते हैं अब उस प्लांट के अंदर रोबोटिक्स या फिर ऑटोमेशन है वो कहाँ पे यूज़ होती है हमारे फीड स्टॉक को लोड और अनलोड करने के अंदर शिप्स और ट्रेन में नेक्स्ट आता है इन अ फर्टिलाइजर प्लांट पी एल आर यूज टू कंट्रोल एंड मिक्सिंग द प्रोसेस ऑफ रॉ मटीरियल अब जो रॉ मटीरियल होता है फर्टिलाइजर के अंदर उसको पी एल सी जो कि ऑटोमेशन के टाइप है वो उसको कंट्रोल करती है उसको मिक्स करती है स्टूडेंट्स पी एल क्या है यहाँ पर पी एल सी का वर्ड यूज हुआ है प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए एक तरह की मशीनरी है जो कि ऑटोमेटेड है और ये मशीनरी क्या करती है फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर हमारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है उसको कंट्रोल करती है उसको मिक्स करती है नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल प्लांट के अंदर सिकाडा सिस्टम आर यूज टू मोनिटर द इवायरमेंटल कंडीशंस इन प्रोडक्शन एरियाज एंड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ बैचेस इन रियल टाइम स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल प्लांट्स के अंदर सिकाडा क्या वर्ड है यह है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्स्टेशन ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये किस लिए यूज़ होता है हमारी इन्वामेंटल कंडीशन को मोनीटर करने के लिए और उसके बाद बाद हमारे जो बैज है उसको ये प्रो, प्रोग्रेस करेगा रियल टाइम के अंदर इस बात का मतलब ये है बैज मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो सिकाडा है ये रियल टाइम के अंदर मोनीटर करेगा उसको डाटा को एक तरह से प्रोसेस करेगा अब प्लास्टिक प्लांट में क्या होता है मशीन वेयर इज़ यूज़ टू इंस्पेक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट अब इंडस्ट्री में प्लास्टिक प्लांट में भी ऑटोमेशन यूज़ होती है ऑटोमेटेड मशीन्स जो हैं वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के लिए यूज़ होंगी नेक्स्ट आता है एक स्पेशलिटी केमिकल प्लांट जो कि ऑटोमेटेड है ये कन्वेयर है सिस्टम्स है यूज टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल एंड प्रोडक्ट बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन एरियाज़ इसी तरह ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम जो है ये भी एक ऑटोमेशन के टाइप है जो कि हमारे पास केमिकल प्लांट्स में यूज़ होता है और ये हमारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फिर फूड एंड बेवरेज के अंदर क्या होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड डिटाइल सिस्टम यूज़ होते हैं हमारे फूड इन्ग्रीडियंट्स को स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए फिर एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट प्लांट के अंदर ऑटोमेटेड पैकेजिंग सिस्टम यूज़ होते हैं हमारे प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए लाइक टूथपेस्ट शैम्पू एंड डिओडोडेंट्स तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी वर्डिंग में ये समझाऊं लेकिन अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं और आपका कोई और जो पेपर है पास्ट पेपर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो मुझे कमेंट कीजिए मुझे मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो करें वहाँ पे मुझे बताएं इन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कोई नोट्स नहीं है तो आप मुझे बताएं इन मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगी नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इश्योरेंस का डिफरेंस उन्होंने हमसे पूछा है स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ जो इंतहाई इजी वर्ड्स में मैंने बताई है और बहुत ही अच्छी वीडियो है वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप बता के उसको लाजमी देख लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में उन्होंने हमसे पूछा है मैथड डिवेलपमेंट क्या होती है और एनालिटिकल मेथड की वैलिडेशन क्या होती है और उसके स्टेप्स हमने बताने हैं तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी ऑप्टिमाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वाली और ये मेरी सेकेंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट की जो मेरी प्लेलिस्ट है स्टैंडर्ड मेथड्स एंड क्वालिटी इंश्योरेंस वाले की अब मेथड को ऑप्टिमाइज़ करना और मेथड को वैलिडेट करना ये दोनों एक ही चीज़ें हैं इनका मकसद यही होता है कि हम लोगों ने अपने किसी भी एनालिटिकल मेथड को इम्प्रूव करना है तो so, स्टूडेंट्स मेरी वो वाली वीडियो के अंदर सेवन स्टेप्स हैं इतहाई इजी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करेंगे आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है तो सब लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर पे फॉलो करें कोई नोट्स नहीं है आप मुझसे मांगें मुझसे हेल्प लें अल्लाह फिर स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर